भारत के गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों खालिस्तानियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं और उन पर शिकंजा कसने का पूरा प्लान बना रहे हैं। और यही बात खालिस्तानियों को चुभ गई और उन लोगों ने अमित शाह को धमकी दे डाली। जी हाँ, बता दें कि खालिस्तान समर्थक नेता और वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि जो इंदिरा के साथ किया वही करेंगे। आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में खालिस्तान समर्थकों पर नजर रखने की बात की थी। शाह के इसी बयान को लेकर अमृतपाल से सवाल किया गया। जवाब में अमृतपाल ने कहा, शाह से कह दो पंजाब का बच्चा बच्चा खालिस्तान की बात करता है, जिसने जो करना है कर ले, हम अपना हक मांगते हैं। हमने इस धरती पर राज किया है, इस धरती के हकदार हम हैं, इस धरती के दावेदार केवल हम हैं, इस धरती पर राज का दावा हमारा है, इससे कोई पीछे नहीं हटा सकता है, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे भगवंत मान हो, दुनिया भर की फौज आकर भी कहे वो दावा नहीं छोड़ेंगे। अमृतपाल ने आगे कहा, दीप ने संत भिंडरांवाले के मार्ग पर चलते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत से टक्कर ली थी। आज उन्हीं शहीदों की याद में यहाँ एक शहीद स्मारक गेट का उद्घाटन किया गया। अमृतपाल ने सरकार पर आरोप लगाया कि यहाँ आयोजित अमृत संचार समागम को रोकने के लिए सरकारों ने बहुत प्रयत्न किए लेकिन सफल नहीं हो सके। पूर्ववर्ती सरकार ने भी हमारे समागम को रोकने की कोशिश की थी, सरकारों ने हमारे समागम हमारी यात्रा को रोकने की भरसक कोशिश की लेकिन सिखों ने उनका जमकर मुकाबला किया। सरकारें हमारी गिरफ्तारी की बात कर रही हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि हम जत्थे के साथ गिरफ्तारी देते हैं, हम जेल में अंदर भी अमृत संचार कर लेंगे, अगर जेल जाकर हमें धर्म का प्रचार करना पड़े तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकारें हमसे कोई चालाकी ना करें। उसे सरकार पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। अमृतपाल सिंह अपने एक करीबी तूफान सिंह की गिरफ्तारी से भड़का हुआ है। अमृतसर के अजनाला में एक सिख युवक को अगवा करने और उसके साथ मारपीट के आरोप में पुलिस ने अमृतपाल सिंह, 5 अन्य और 25 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर रखा है। इसी मामले में पुलिस ने अमृतपाल के करीबी तूफान को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से अमृतपाल देश के गृह मंत्री अमित शाह को खुली धमकी दे रहा है। बता दें कि पंजाब में इस वक्त अमृतपाल सिंह का नाम चर्चा में है। वारिस पंजाब दे संगठन में बीते साल ही अमृतपाल सिंह की ताजपोशी हुई थी। वारिस पंजाब दे संगठन पंजाब के एक्टर और एक्टिविस्ट दीप सिद्धू ने बनाया था। हालांकि बाद में दीप सिद्धू की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके बाद अमृतपाल को इसका मुखिया बना दिया गया। अमृतपाल कुछ ही समय पहले दुबई से भारत आया। यहाँ आते ही अमृतपाल अपने भड़काऊ भाषण से चर्चा में आ गया। अपने भाषण में वो खालिस्तान के समर्थन में खुलकर बोलता है। अमृतपाल सिंह ने अपने भाषण में अमित शाह की तुलना इंदिरा गांधी के साथ की है। जानकारी की आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1984 में गोल्डन टेंपल को जर्नैल सिंह भिंडरांवाला से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया था। उसके बाद दो सिख सुरक्षा कर्मियों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। इसी जर्नैल सिंह भिंडरांवाला को अमृतपाल अपना आदर्श मानता है। अमृतपाल सिंह की हिंदुस्तान के गृह मंत्री को धमकी देने पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के आप देखते रहेंगे। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।